तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जबकि 24 तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसी बीच आज दिल्ली बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें समिति के 21 सदस्य और दिल्ली के सभी सांसद शामिल होंगे, जिसके बाद बीजेपी आज 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं कांग्रेस भी आज 46 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करेगी। हमारे साथ संजय शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, क्या माना जाए, सबसे ज्यादा लेट लतीफी बीजेपी की रही है लिस्ट जारी करने में, आज लिस्ट जारी हो जाएगी यकीनन, और कौन से बड़े नाम होंगे इस लिस्ट में? देखिए, अचल केंद्र दिल्ली बीजेपी की चुनाव समिति का गठन ही कल हुआ है, आज और कल, ये दो दिन दिल्ली की बीजेपी की चुनाव समिति दो दिन इन नामों पर चर्चा करेगी। उसके बाद में हो सकता है कि 32 सीटें जो बीजेपी ने पिछले एक साल पहले 2013 के चुनाव में जीती थी, उनमें से अधिकांश नामों को जारी कर दिया जाए, जिन नामों पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति के बारे में यही कहा जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति पार्टी की 19 तारीख को बैठेगी और वो अधिकांश नाम, यानी कि आप मान सकते हैं कि उसमें बाकी के जितने भी नाम है, सभी 70 सीटों के नाम उसमें एक ही बार में, एक ही झटके में दिल्ली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति इसको जारी कर सकती है। कांग्रेस के आज 45 नाम आने वाले हैं, जिनके नाम कल रात को ही केंद्रीय चुनाव समिति ने कांग्रेस में क्लियर कर दिए थे, लेकिन सूची आज दोपहर तक किसी भी समय जारी हो सकती है। आज से नामांकन भरने का सिलसिला जारी हो चुका है, आम आदमी पार्टी ने अपने अधिकांश उम्मीदवार उतार दिए हैं, पहले ही उन नामों की सूचियां जारी कर चुकी है। लेकिन यहां पर दिल्ली बीजेपी को सबसे बड़ी दुविधा का सामना अब करना पड़ रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान पर हुई रैली में सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला था, बीजेपी को कहीं ना कहीं यह नुकसान होता हुआ दिख रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने अभी तक आम आदमी पार्टी का नाम नहीं ले रही थी और सीधा मुकाबला कांग्रेस से करती आ रही थी, लेकिन अब केजरीवाल का नाम लेने से अब केजरीवाल को ताकत मिल रही है, केजरीवाल को इसका फायदा मिलता दिख रहा है आज। बिल्कुल, और केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया है कि ये ऐसा जहाज है बीजेपी जिसका कैप्टन तक मौजूद नहीं है, सिर्फ एक हफ्ते का टाइम बचा है नामांकन दाखिल करने में, और अभी तक बीजेपी ने पहली लिस्ट तक जारी नहीं की है। हम संजय फिर से अपडेट के पास आपके पास आएंगे, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस दौरान कांग्रेस